सबसे पहले तो इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन, वैसे तो पता होता तुम लोगों को कि इंटेंजिबल एसेट वो होता है जिसका कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता, लेकिन प्रॉपर जो डेफिनेशन यहाँ दी हुई है इज एन आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, ये इसकी डेफिनेशन है। तो एक इंटेंजिबल एसेट जो होगा वो हमेशा एक आइडेंटिफाइबल एसेट होगा, बिल्कुल सेपरेट आइडेंटिफाइबल एसेट, नॉन मॉनेटरी होगा, सही है, मॉनेटरी आइटम नहीं होगा और विदाउट फिजिकल सब्सटेंस होगा। विदाउट फिजिकल सब्सटेंस हमें पता है कि गुडविल हो गई, ब्रांड नेम हो गया, टाइटल्स हो गए, लाइसेंस हो गया, दीज आर ऑल कॉल्ड इंटेंजिबल एसेट, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर एसेट की डेफिनेशन दी हुई है, तो एन एसेट इज अ रिसोर्स दैट इज कंट्रोल्ड बाय एन एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ एसेट और सेल्फ क्रिएशन। दो तरह के इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, एक वो होता है जो हमने परचेज किया हुआ होता है और एक वो होता है जिसको हम इंटरनली जनरेटेड कहते हैं, सेल्फ क्रिएटेड, ठीक है। अब इस डेफिनेशन के अंदर उन्होंने तीन चीजें डिस्कस की हैं। पहले तो इंटेंजिबल एसेट को अगर आप रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं तो आइडेंटिफाइबिलिटी होनी चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, तो आइडेंटिफाइबल का मतलब ये होता है कि इंटेंजिबल एसेट इज आइडेंटिफाइबल व्हेन इट इज सेपरेबल, कैपेबल ऑफ बीइंग सेपरेटेड एंड सोल्ड, ट्रांसफर्ड, लाइसेंस्ड, रेंटेड और एक्सचेंज्ड आइदर इंडिविजुअली और टुगेदर विद अ रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट, और अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रेक्चुअल और अदर लीगल राइट्स रिगार्डलेस ऑफ वेदर दोज राइट्स आर ट्रांसफरेबल और सेपरेबल फ्रॉम द एंटिटी और फ्रॉम अदर राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। सो अगर फॉर एग्जाम्पल देखें, अगर हम इंटेंजिबल एसेट किसी से खरीदे ना सेपरेटली, तो अब ये आइडेंटिफाइबिलिटी का मसला नहीं आता। लेकिन अगर हम फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी को टेक ओवर करें और उसके पास इंटेंजिबल एसेट्स हों और वो सेपरेटली आइडेंटिफाइबल नहीं हो रहे, तो फिर वो गुडविल का पार्ट बन जाता है। लेकिन अगर वो सेपरेटली आइडेंटिफाइबल हो रहे होते हैं तो हम हर इंटेंजिबल एसेट को सेपरेटली बैलेंस शीट में रिकग्नाइज करते हैं। सो यहाँ आइडेंटिफाइबिलिटी का ये मसला है। पता कैसे चलेगा आइडेंटिफाइबल है? जब उसको हम अलग से बेच सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो, रेंट पे दे सकते हो, वगैरह वगैरह, तो हम कहेंगे ये आइडेंटिफाइबल है। बाकी सारी डेफिनेशन एसेट की दी गई। अच्छा, एग्जांपल्स, अब क्योंकि तुम लोग एसबीआर पढ़ रहे हो तो बहुत आगे की एग्जांपल्स आपको पता होनी चाहिए। जो नॉर्मल एग्जाम्पल होती है गुडविल, ब्रांड नेम वगैरह, वो तो तुम लोग पता नहीं कितनी दफा पढ़ चुके होगे। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं, जैसे पेटेंट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, डेटाबेस, ट्रेड सीक्रेट्स, ट्रेडमार्क्स, ट्रेड ड्रेस, न्यूज़पेपर्स, मैस्कीट्स, इंटरनेट डोमेन वीडियोस, ऑडियो विजुअल मटेरियल, मोशन पिक्चर्स, टेलीविजन प्रोग्राम्स, कस्टमर लिस्ट, मॉर्गेज सर्विसिंग राइट, लाइसेंस, रॉयल्टी, स्टैंड स्टील एग्रीमेंट्स, इम्पोर्ट कोटास, फ्रेंचाइज एग्रीमेंट्स, कस्टमर एंड सप्लायर रिलेशनशिप, कस्टमर लिस्ट, मार्केटिंग राइट्स, सही है, ये सब आते हैं, या एयरपोर्ट के लैंडिंग राइट्स, ये सब इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन में आते हैं, जिनका कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता। अब इंटेंजिबल एसेट जो हमारे पास आते हैं वो कैसे आ सकते हैं? सो इंटेंजिबल एसेट कैन बी एक्वायर्ड। एक तरीका तो होता है कि आप इंटेंजिबल एसेट को परचेज कर लें, एक तरीका ये होता है कि इंटेंजिबल एसेट आपके पास बिजनेस कॉम्बिनेशन के थ्रू आ जाए, एक तरीका होता है कि इंटेंजिबल एसेट आपको गवर्नमेंट ग्रांट की फॉर्म में दे दे, और एक तरीका होता है कि इंटेंजिबल एसेट आपके पास एक्सचेंज ऑफ एसेट की फॉर्म में आ जाए, और एक तरीका होता है इंटेंजिबल एसेट आपने खुद से क्रिएट किया, दैट इज कॉल्ड इंटरनली जनरेटेड एसेट। अब देखो, नॉर्मली हम जो पढ़ते हैं ना, वो तो परचेज एसेट पढ़ रहे होते हैं, बिजनेस कॉम्बिनेशन में आ जाए, ग्रांट की फॉर्म में आ जाए, एक्सचेंज की फॉर्म में आ जाए, सेल्फ क्रिएटेड हो, तो इस पे एग्जामिनर एग्जाम्पल बनाने में ज्यादा इंटरेस्टेड होगा, रादर देन के सिंपल एग्जाम्पल बना दे कि आपने एक इंटेंजिबल एसेट खरीद लिया।
या अगर इंटेंजिबल एसेट हमने खरीद लिया है तो बाद में उसमें सब्सिक्वेंटली कोई इंपेयरमेंट वगैरह हो रही है, तो इसके ऊपर एग्जाम्पल बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आगे बढ़े। हेलो जी सर। जी सर, ये तो सिर्फ डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स पर भी बात हुई। अभी हमने आईएएस 16 के अंदर पढ़ा था कि बैलेंस शीट के अंदर अगर आपको इंटेंजिबल टेंजिबल एसेट को रिकॉर्ड करना है, रिकॉग्नाइज करना है, तो उसके लिए हमने दो कंडीशंस पढ़ी थी। यहाँ देखते हैं उसका क्राइटेरिया क्या चेंज है या सिमिलर है। IAS 38 requires an entity to recognize an intangible asset whether purchased or self-created at cost if and only if. अब ये दो पॉइंट्स मीट होना जरूरी है। If and only if it is probable that future economic benefits that are attributable to the asset will flow to the entity and the cost of the asset can be reliably measured. अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है तो तुमने F7 में भी पढ़ा होगा कि जब हम परचेज एसेट की बात करते हैं तो उसका रिकग्निशन क्राइटेरिया तो ऊपर वाला दो पॉइंट्स में मीट हो जाता है, लेकिन जब इंटरनली जनरेटेड पे आते हैं तो उसका क्राइटेरिया ये नहीं होता, उसका एक एक्सटेंडेड क्राइटेरिया होता है। ये बात यहाँ पर नीचे लिखी हुई भी है। दिस रिक्वायरमेंट अप्लाइज वेदर इंटेंजिबल एसेट इज रिक्वायर्ड एक्सटर्नली और जनरेटेड इंटरनली। IAS 38 includes additional criteria for internally generated assets. इसका मतलब ये हुआ, शायद तुम्हें याद हो, कि purchase asset को तो हमेशा record किया जाता है, internally generated asset को capitalize किया जाता है। कुछ याद है? नहीं सर, शायद पढ़ा था ऐसा। R&D पढ़ा था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पढ़ा है सर। तो उसमें जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होता था वो समटाइम्स एज एन एसेट रिकॉर्ड होता था, समटाइम एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड होता था। तो जी, जो परचेज इंटेंजिबल एसेट होते हैं वो तो हमेशा कैपिटलाइज होते हैं, लेकिन जो सेल्फ क्रिएटेड होते हैं वो कभी कैपिटलाइज होते हैं और कभी कैपिटलाइज नहीं होते। दोनों बातें हो सकती हैं, सही? आगे बढ़ते हैं। अब फॉर एग्जांपल, जब भी कोई इंटरनली जनरेटेड एसेट आपके सामने आता है तो आप ये देखते हैं कि यार इस इंटरनली जनरेटेड एसेट पे ऊपर कोई क्राइटेरिया सेटिस्फाई हुआ। अगर क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया तो उसे बैलेंस शीट में कैपिटलाइज कर लेंगे, और अगर क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं हुआ तो कहां जाएगा? इफ रिकग्निशन क्राइटेरिया डज नॉट सेटिस्फाई, इफ एन आइटम ऑफ इंटेंजिबल एसेट डज नॉट मीट बोथ द डेफिनेशन ऑफ एंड द क्राइटेरिया फॉर रिकग्निशन एज एन इंटेंजिबल एसेट, IAS 38 रिक्वायर्स द एक्सपेंडिचर टू बी रिकग्नाइज एज एक्सपेंस व्हेन इट इज इंकर्ड। अब यहां पर एक क्लासिकल एग्जांपल बनती है आपकी, किसकी? रिसर्च का ट्रीटमेंट क्या होता है? रिसर्च की कॉस्ट जिस पीरियड में इंकर्ड होगी उस पीरियड में उसे एक्सपेंस आउट कर दिया जाएगा, क्योंकि वो रिकग्निशन क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं करता। एक्सपेंस, यस, एक्सपेंस, सही है। अच्छा, बिजनेस कॉम्बिनेशन में जब हम किसी सब्सिडरी को एक्वायर करते हैं तो उसके साथ जो इंटेंजिबल एसेट आते हैं उसको मैं थोड़ी देर के बाद बात करता हूँ, अभी बात नहीं कर रहा, पहले मैं दूसरी चीजों पे बात कर लूँ। जो हमारे पास इंटरनली जनरेटेड एसेट्स होते हैं उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन हम कर लेते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट का ट्रीटमेंट देखें, तुम लोगों को शायद ये पता होगा कि रिसर्च क्या होती है, याद है? रिसर्च क्या होती है?